नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनबीसी 24 न्यूज़ पे। मैं रत्नेश पांडे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं बिहार की राजनीति को लेकर के। बिहार की राजनीति अगले 48 घंटे में बदली सी नजर आएगी, बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क किया है और ये देर रात की खबर है जब सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपर्क किया है। आशंका जताई जा रही है कि बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये लगातार खबरें आ रही है। बिहार में जदयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उनके बीच में लगातार तानाताना की खबरें आती हैं। आपने कई बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा जदयू पर हमले, साथ ही जदयू के नेताओं के द्वारा बीजेपी पर हमले की खबर तो देखी होगी। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। और इस बीच जो बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, विश्वस्त सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क किया है, यानी कि महागठबंधन के साथ एक बार फिर से जदयू का नाम जुड़ने वाला है और जदयू बड़ा सियासी उलटफेर कर सकता है बिहार की राजनीति में। और अब बिहार में अगले 48 घंटे के अंदर में सरकार बदली सी नजर आएगी, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क किया है। और इधर बातचीत करें बिहार में तो आरजेडी का कल प्रतिरोध मार्च था और इशारों में तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ कह दिए हैं कल प्रतिरोध मार्च में। साथ ही साथ जदयू से जब सवाल किया गया, कल ललन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था आरसीपी सिंह को लेकर के, आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ललन सिंह का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जबरदस्त तरीके से आरसीपी सिंह पर हमला बोला था। आरसीपी सिंह को लेकर के तमाम बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह का मन कहीं और तन कहीं और था। साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार में दूसरा चिराग मॉडल बनाने की तैयारी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं यह आशंकाएं जताई जा रही है। साथ ही जब तेजस्वी यादव के लेकर के सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर वो प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं, तो इशारों में ललन सिंह ने इस प्रतिरोध मार्च को सराह दिया, यानी कि तेजस्वी यादव का पूर्ण रूप से समर्थन जदयू कर दी है। और विश्वस्त सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क किया है, तो बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में अगले 48 घंटे के अंदर में देखने को मिल सकती है। इधर बातचीत करें तो जदयू के कल तमाम संसद विधायक लोगों का मीटिंग भी था और तमाम लोगों को, जदयू के तमाम संसद सांसद और विधायकों को पटना से दूर यानी कि बिहार से बाहर जाने न जाने देने की नसीहत दे दी गई है कि अगले 48 घंटे तक वो बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। उधर आरजेडी भी इसकी तैयारी कर रही है, आगामी दिनों में आरजेडी 9 अगस्त को, सूत्रों के अनुसार 9 अगस्त को यानी कि कल के दिनों में एक बड़ा मीटिंग करने वाले अपने तमाम विधायकों के साथ मिल करके, तो बिहार में एक बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं देखी जा रही है। बीजेपी बनाम जदयू जिस तरीके से चल रहा है, बता दें कि अमित शाह का कार्यक्रम बिहार में था, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं जदयू के लिए ही था कि बिहार में बीजेपी अपना अस्तित्व बनाना चाहती है। और इधर शक्ति प्रदर्शन के बाद अमित शाह पटना पहुंचे, पटना पहुंचते ही अपने तमाम विधायकों को, अपने तमाम मंत्रियों को ये बातें कही हैं, उन्होंने मंत्र दिया है और अभी कुछ भी बोलने से उन्होंने मना कर दिया है कि कुछ भी मीडिया में नहीं बोलना है। कहीं ना कहीं इशारा में इसका खेल का प्रारूप बिहार में राजनीतिक बदलाव का तैयार हो गया है। और नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क किया है, तो क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस और महागठबंधन के साथ जदयू मिलकर के बिहार में सरकार बनाने जा रही है। आरजेडी का भी समर्थन जदयू ने कर दिया है, तो अगले 48 घंटे बिहार के लिए बड़ा अहम होने वाला है। तो 48 घंटे में नया खेल जो है बिहार की राजनीति में वो देखने को मिल सकता है। बहरहाल लगातार हम खबरें आपको देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए एनबीसी 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।